अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग फ्रेंड्स? इंशाल्लाह ताला खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। आप लोगों के रोज़े भी कैसे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से गुजर रहे होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा चैनल टेस्टी बाइट्स विद आयशा को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। आइए देखते हैं इसके लिए अब क्या क्या सामान की ज़रूरत है। मैं आज बहुत ही हेल्दी रेसिपी लेकर आई हूँ। ये मैंने स्प्रॉटेड चना और मूंग लिया है, इसको स्प्रॉट कर लिया है भिगा के। इसका बताऊँगी कैसे, तरीका बताऊँगी कैसे स्प्रॉट करते हैं, अंकुर कैसा निकालते हैं। इसको मैं बीच में, वीडियो के बीच में बताऊँगी, आप देखिएगा वीडियो एंड तक। एक छोटी प्याज लिया मीडियम साइज़ की मैंने, इसको बारीक चॉप कर लिया है। फिर एक टमाटर चॉप कर लिया है मैंने, एक दो हरी मिर्च है, एक चम्मच नमक है और एक चम्मच चना वो चाट मसाला है, और एक नींबू का जूस निकाला है, और ये थोड़ी सी हरी धनिया मैंने काट के रख लिया है। अब चलिए बनाना इसको शुरू करते हैं। ये मैं देसी तरीके से, देखिए, लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ। मैंने सरसों का ऑयल यूज़ किया है, लोहे की कढ़ाई यूज़ किया है ताकि और भी न्यूट्रिशियस बन सके। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें मैंने हरी मिर्च डाला है जो बारीक कटी हुई थी। हरी मिर्च को डाल के फिर फौरन ही उसमें ज़रा दो चलाने के बाद, एक सेकंड 10 सेकंड, फिर उसमें मैं चने और मूंग ये डाल दूँगी। चने और मूंग को मैंने थोड़ा सा सौते कर लिया है। बहुत सारे लोगों को कच्चा, देखिए, डाइजेस्ट नहीं होता बिल्कुल कच्चा, और उससे जो है तो उनको पेट ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा इस तरीके से भी बता रही हूँ। इसको आप हल्का सा पका लेंगे तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, ईजिली सब लोग खा सकते हैं और डाइजेस्ट भी हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा सौते करने के बाद इसमें फिर मैं अब नमक डालूँगी। यहाँ मैंने नमक डाल दिया है। अब इसको चलाएंगे, थोड़ा चला के इसको मैं थोड़ा सा 2-4 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम करके ढक देना है ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। आप सब लोगों को तो पता होगा चने चने और ये मूंग हमारी सेहत के लिए कितने फ़ायदेमंद हैं। इस स्प्रॉटेड चना मूंग से सेहत, इसको ब्रेकफास्ट में लेने से इसका हेल्थ, इसका और भी ज़्यादा हम फ़ायदा उठा सकते हैं। जिनको देखिए कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, इसको खाने से बहुत जल्दी आसानी से पेट साफ होता है क्योंकि इसमें फाइबर बहुत होता है, और इसको खाने से हमें एनर्जेटिक हम फील करते हैं। यहाँ देखिए मैं देख रही हूँ चना गल गया कि नहीं, थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। अब इस पॉइंट पर इसमें मैं प्याज डालूँगी चॉप की हुई। फिर इसको चलाने के बाद इसमें मैं अब टमाटर डालूंगी। अच्छे से प्याज को मिक्स कर लिया है क्योंकि प्याज को ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, इसलिए लास्ट पॉइंट पे डालते हैं। प्याज डाला फिर टमाटर डाला है और इसको चला लेंगे 2 मिनट के लिए, फिर इसको ज़रा सा ढक देंगे तो फिर ये सॉफ्ट हो जाएगा। हाँ, तो मैं चने के फ़ायदे बता रही थी आप लोगों को। इसको खाने से देखिए सुस्ती हमारी दूर होती है, थकान दूर होती है, हम अपना बॉडी मतलब अच्छा महसूस करते हैं, हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स देखिए बाहर निकलते हैं, इससे हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होता है, जिससे हम जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। मेन कहने का मतलब है कि ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी चीज़ है, इसलिए हमें इसको डेली ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा ही 2-4 चम्मच भिगाइए। एक आदमी के लिए 2-4 चम्मच काफ़ी है। फिर उसको स्प्रॉट करके बना के आप खाइए डेली नाश्ते में ऑल्टरनेट इस तरह से। फिर यहाँ पे देखिए मैंने नींबू का रस डाल दिया है 1 चम्मच, एक नींबू का जूस जो निकाल के रखा था वो डाल दिया है। अब फिर चाट मसाला डालूँगी मैं। चाट मसाला डाल के अब इसको मिला के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मुश्किल से 5 मिनट लगता है इसको पकाने में, झटपट बन के तैयार हो जाता है हेल्दी ब्रेकफास्ट हमारा। इसको डेली आप लें तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारी हेल्थ के लिए। अब यहाँ मैंने थोड़ी सी हरी धनिया डाल दिया है और इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसको अब सर्व करूँगी। चलिए अब इसको हम लोग प्लेटिंग कर लेते हैं। यहाँ मैंने देखिए डिश आउट कर लिया है, ऊपर से डेकोरेट भी कर दिया है थोड़ी हरी धनिया से। नींबू डाल के आप खाइए, बहुत ही लजीज, बहुत ही टेस्टी है। मेरी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इंशाल्लाह जल्दी फिर आऊँगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।